बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत सिंह के साथ लंच किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्लियामेंट में दोनों ने साथ में लंच किया था, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए हैं दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दुष्यंत सिंह कनिका कपूर की पार्टी में मौजूद थे, आपको बता दें कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा उस पार्टी में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी हरियाणा न्यूज के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है इस वक्त की, जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जिस तरह से ये खबर आ रही थी कि कनिका जब विदेश से आई थी लखनऊ अपने शहर में, तो उस दौरान कांग्रेस नेता द्वारा आयोजित एक पार्टी थी जिसमें वसुंधरा राजे पूर्व सीएम थी, उसके अलावा कई दिग्गज शामिल हुए थे, पॉलिटिकल लोग शामिल हुए थे, उसी में दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही दुष्यंत सिंह की खबर आई, उसके बाद कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, हरियाणा से हाल ही में सांसद चुने गए, उन्होंने दुष्यंत सिंह के साथ पार्लियामेंट में खाना खाया था। जिसके बाद जब जैसे ही ये खबर मीडिया में फैलती है, जैसे ही इस खबर के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, लगातार लोग जो है अपने आप को आइसोलेट करते हैं, और लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप जो लगातार जारी है, इसी दौरान जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा को पता लगता है कि दुष्यंत सिंह भी पार्टी में शामिल थे और वो कनिका के संपर्क में भी आए थे, यानी पास में उन्होंने खाना भी खाया था, बातचीत भी की थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी शक हुआ, दीपेंद्र हुड्डा को भी शक हुआ और लगातार उन्होंने भी आइसोलेट कर लिया अपने आप को। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर इस वक्त की ये है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी आइसोलेट कर लिया अपने आप को, यानी एकांत में चले गए हैं, अपने आप को कैद कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है, प्रधानमंत्री जिले के तमाम जो लोग हैं वो जागरूक अभियान चला रहे हैं, इसी दौरान जो दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा, उन्होंने भी आइसोलेट कर लिया, ये सबकी बड़ी खबर जी बताइए। चलिए मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि कनिका कपूर की पार्टी में जो मौजूद थे और उसके बाद में धीरे धीरे आइसोलेट करना नेताओं ने खुद को शुरू कर दिया है।